हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में मैं एक गीत का नोटेशन बता रहा हूँ। गीत में जो शुरू का जो म्यूजिक बजता है उसका नोटेशन मैं बता रहा हूँ, और कुछ स्थाई का भी सरगम बताऊंगा। तो इस गीत का नाम है तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दोगर खता हो गई। ठीक है, इसे रफ़ी साहब जी ने और लता जी ने इसको गाया है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और ये बहुत ही हिट रहा है किसी ज़माने में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखें ताकि आप भी इसको हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे अच्छे से उसको बजा सकें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो सीधा आपके पास पहुँचे और आप उसे देख कर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं, स्टेज प्रोग्राम करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन करें और विधिवत सीखें। यूट्यूब पे हम किसी गाने का नोटेशन पा गए, एक गाना बजा लिया, चार गाने बजा लिए, उससे हम कलाकार नहीं बन सकते। ठीक है, उन्हीं गानों को आप एक ही स्केल में बजा सकते हैं जिस स्केल में बना करके डाला जाता है। तो उन सब चीज़ों को आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अच्छे कलाकार बने। प्रॉपरली आपको किसी भी स्केल से बजाना पड़ जाए तो आप बजा सकें, कोई भी गाना कहीं से भी बजाना पड़ जाए तो आप बजा सकें। ठीक है, तो आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन करें। अगर आपके आसपास कोई गुरु है तो वहाँ सीखें, और नहीं तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और ऑनलाइन सीखें। और जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे कि मैं कितने अच्छे तरीके से सीख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप सीखेंगे तभी वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस गीत को। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, खता बख्श दोगर खता हो गई। शुरू में जो म्यूजिक आता है वो म्यूजिक जो मैंने अभी आपको बजा करके दिखाया है, म्यूजिक उसका सरगम क्या होगा, उसका नोटेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें इसको और ताकि आप भी इसको बहुत अच्छे से बजा सकें। इसका जो मैं आपको नोटेशन बता रहा हूँ वो इस सा के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्या था म्यूजिक शुरू में? तो इसका सरगम क्या होगा? तीन बार इसको हमें बजाना है, सा रे गामा, सा गर सा रे गामा। ठीक है, और उसके बाद मा ध प म गरे सा, मा ध प म गरे सा। और उसके बाद रे सा नी सा रे गा, और उसके बाद गरे सा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ म्यूजिक ही बताऊंगा, तो आप फिर से देखें एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, गरे सा रे गामा। ठीक है, और उसके बाद धा पा मा गरे सा, रे सा नी सा रे गा, सा
गरे सा गरे सा गरे सा, ठीक है। उसके बाद में फिर म्यूजिक आएगा, सा नी सा मा सा मा सा, सा नी सा मा सा मा सा, नी सा गा रे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, नी सा गा रे ये एक साथ में लेना है आपको, तब वो चीज निकल के आएगी। सा नी सा मा सा, नी सा गा रे सा नी धा पा मा, ये भी एक साथ में लेना है पूरा, सा नी धा पा मा धा पा मा गा रे सा रे गा मा। कंफ्यूजन हो तो मैं पूरा एक बार बजा के दिखा देता हूँ। सॉरी, इस प्रकार से उतर के आएगा, सा नी सा मा सा नी सा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा, धा पा मा गा रे सा रे गा मा, धा पा मा गा रे सा रे गा मा, ठीक है। अब आप पूरा देखें एक बार, और ये मैं प्लेन म्यूजिक बता रहा हूं, आप इस चीज को भी ध्यान रखें, ये प्लेन म्यूजिक है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसमें वाइब्रेशन या खटका मुरकी इसलिए नहीं डालूंगा, अगर वो डालूंगा तो आपको फिर बजाने में प्रॉब्लम होगी और वो आपसे उस इतनी जल्दी शुरू में नहीं आएगा। वो जब कोई प्रॉपरली मास्टर बन जाता है तो वो उसको उन सब चीजों को यूज करता है। इतना तो म्यूजिक बजेगा, उसके बाद शुरू होता है, तुम्हारी नजर तुम्हारी धा धा पा नजर मापा सॉरी माधा, और तुम्हारी नजर पूरा एक साथ बजाएंगे तो सरगम क्या होगा, धा धा पा माधा तुम्हारी नजर क्यों क्यों धानी खपा धापा हो गई मा गा पा हो गई मा गा पा। और यहाँ पे एक और म्यूजिक आएगा, एक बार गाया जाएगा, ये म्यूजिक, इसका सरगम क्या होगा, सा गा गा मा मा पा सा गा गा मा मा पा, उसके बाद खता बख्श दो गर खता बख्श दो गर खता पधा पमा हो गई पधा पमा मा। और ये दो बार आएगा, तुम्हारी नजर धा धा पमा धा क्यों क्यों खपा धानी धापा हो गई मा गापा खता बख्श दो पापा धापा मा गर खता पाधा पामा हो गई
पधा पा मामा। और उसके बाद एक म्यूजिक और आता है सा रे सारे नीसा धानी पाधा मा, सारे नीसा धानी पाधा मा। और ये हमें बजाना कहाँ पे है? तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, कता बख्श दो हर खता हो गई। यहाँ पे इतना लता जी गाती हैं और उसके बाद में रफी साहब, हमारा इरादा तो हमारा धाधा पा इरादा तो मधा धाधा कुछ भी न था पामा गा पा। नहीं, ये लता जी की, लता जी का गायकी, सॉरी लता जी बोलती हैं, और जो पहले गाया वो रफी साहब का है। हमारा इरादा तो हमारा धा धा पा इरादा तो मधा धा धा कुछ भी न था पा मा गा पा। तुम्हारी खता पा पा धा पा मा खुद सजा पा धा पा मा हो गई पाधा पा मामा। ठीक है, इतना बजने के बाद में फिर एक और म्यूजिक आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और लोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। और ये पार्ट वन रहेगा, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखें और खूब मेहनत करके बजाएं, और इसके बाद में मैं पार्ट टू बना के दूंगा, तो उसमें आप उसको बजा पाएंगे। वो म्यूजिक क्या होगा? ठीक है, आगे का म्यूजिक मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से बजाएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।